हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ब्यूटी हैक्स जो कि मैंने भी ट्राई किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो चलिए देखते हैं 10 ब्यूटी हैक्स। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम जो यूज़ करते हैं केमिकल बेस्ड मेकअप रिमूवर, इसे कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY मेकअप रिमूवर। वैसलीन की कई सारे बेनिफिट्स है, डेफिनेटली उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जब भी आप परफ्यूम अप्लाई करते हो, मतलब स्प्रे करते हो, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको परफ्यूम स्प्रे करने से पहले आपको वैसलीन अप्लाई करना है, उसके बाद परफ्यूम स्प्रे करना है। तो इससे इसे क्या होता है, परफ्यूम ज़्यादा देर तक टिकती है। लिपस्टिक एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। लिपस्टिक को आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो एंड एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास शेविंग क्रीम नहीं है तो आप कंडीशनर को ऐसा शेविंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो एक्सरसाइज करने के बाद स्वेटी हो जाती है बॉडी एंड इंक्लूडिंग हेयर भी। तो स्वेटी हेयर बहुत ही बदबू आती है, तो आपको बस परफ्यूम यूज़ करना है, डायरेक्ट हेयर पे नहीं, कंघी पे स्प्रे करना है, देन आपको ब्रश करना है। थ्रेडिंग एक बहुत ही पेनफुल मेथड है हेयर रिमूव करने के लिए, एंड जब भी आप थ्रेडिंग करते हो तो आपको भी पता है रेडनेस हो जाती है फेस पे एंड पिंपल्स भी हो जाते हैं कभी कभी। तो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आपको यूज़ करना है रेजर्स। अगर आपके भी मेरी तरह बेबी हेयर्स है तो इसे सेट करने के लिए आप मस्कारा को यूज़ कर सकते हो बेबी हेयर सेट करने के लिए। बॉडी शिमर परचेज करने के लिए आपको अलग से पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही DIY बॉडी शिमर बना सकते हो। तो बॉडी शिमर बनाने के लिए आपको चाहिए बस वैसलीन एंड उसके साथ आपको ऐड करना है थोड़ा सा हाइलाइटर, आपको बस उसके बाद अप्लाई करना है। वैसलीन की जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो।
डार्क सर्कल के लिए मेरे पास एक बेस्ट ही दिया था है, आपको बस एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है क्यूकम्बर। आप क्यूकम्बर का आइस क्यूब बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, आइस के नीचे रब करके, या फिर आप एक कंटेनर में क्यूकम्बर जूस को स्टोर करके उसमें कॉटन बॉल डिप करके आप आइस के नीचे रख सकते हो फॉर 10 to 15 मिनट्स तक। बेस्ट रिजल्ट के लिए रेगुलर यूज़ करिए। अगर आप रेगुलरली हेयर स्ट्रेट करते हो या फिर हेयर कर्ल करते हो, मतलब हीट प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते हो, या फिर आपको हीट प्रोडक्टर परचेस ही नहीं करना है, तो आप घर पे भी हीट प्रोटेक्टर बना सकते हो। तो हीट प्रोटेक्टर प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए जस्ट वाटर एंड कोकोनट ऑयल। आपको 90% वाटर लेना है एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, एंड 10% आपको कोकोनट ऑयल ऐड करना है। तो ये है दियावा हीट प्रोटेक्टर, आप इसे 2 to 3 months तक यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो या फिर ऐसे ही स्टोर कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, जरूर इन वीडियोस आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, जरूर इन ब्यूटी हैक्स को ट्राई करिए एंड ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।